हम लोग अब ताजमहल जा रहे हैं रिक्शा से, 50 रुपीज यहाँ से इंडिया मीटर बोला है भैया, मतलब ब्यूटीफुल गाइड अच्छा था, अच्छे से बताया उसने। हम लोग ताजमहल के लिए बुकिंग काउंटर में आ गए हैं, यहाँ से हम टिकट लेंगे। हम लोगों ने टिकट ले लिए, यहाँ दो तरह की टिकट मिल रही है, 50 रुपीज़ वाली और एक 250 रुपीज़ की। 50 रुपीज़ वाली सिर्फ ताजमहल को बाहर से ही देख सकते दूर से, और 250 वाली टिकट पे हम लोग अंदर तक जा कर के अच्छे से देख सकते हैं। तो उसमें अभी ये एक ही साल हुआ है, ये नियम ऐसा यहाँ बना दिया, पहले नहीं था। इसमें आधार कार्ड भी लगता है, आधार कार्ड लाना बहुत ज़रूरी है। कभी भी आप यहाँ आइए ताजमहल, आगरा का ताजमहल देखने, तो आधार कार्ड कभी भी ना भूले, बिना आईडी के अंदर जाने नहीं देते। तुम आधार कार्ड लाए थे? नहीं, मैं भी आई थी। हम दोनों आधार कार्ड लाए थे, इसलिए हम लोग को एंट्री मिल रही है, और हम लोग अब एंटर करने जा रहे हैं ताजमहल। ये ताजमहल प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम लोग पहले क्लॉक रूम में बैग वगैरह रख देंगे, शायद चेकिंग होगी अभी। यहाँ चेकिंग होगी सबकी, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रहती है, वैसे रहना भी चाहिए हर जगह। मेरे पास है ना टोकन, टोकन अभी लगेगा क्या? हाँ लगेगा। हाँ, इधर लेडीज का है, यहाँ सबकी चेकिंग हो रही है। जो चेंज आ रहे हैं वो दिखा, पता है टाइम लाइन है वो फुल, देखो 1959 पे, ओके चलते जाओ चलते जाओ, 1985, 1987, 93, फिर 2001, 2015, 2018, 2018 तक का दिया हुआ है। एंड वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है माँ ताजमहल, पता है कौन सी रैंकिंग पे है? फर्स्ट पे, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट पे है ताजमहल, अपने इंडिया में फर्स्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं इसको। यहाँ से देखिएगा तुमको कि ये काफी क्लोज है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब हम जैसे ही वो गेट क्रॉस करेंगे जो हमारे सामने है, ठीक है, वैसे ही वो एकदम ही दूर हो जाएगा, ठीक है। हाँ ऐसा ही होता है, चलो आओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में। ये देखो जैसे जैसे चलती जा रही हो दूर होता जा रहा है, दिख रहा है? कितनी खींच रहे हो? अच्छा अच्छा ठीक 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 ठीक। फोटो क्लिक कर रहा हूँ फोटोग्राफर से। लोग ताजमहल के बस पास में ही है, ताजमहल तो सबको ही जानता है, कौन ऐसा जो ताजमहल ना जानता होगा, और सबको ताजमहल बहुत पसंद है। यार डूबना ऐसे में आ रही है यार।
ताजमहल को तो ऐसा लगता बस देखते ही रहो। हम लोगों ने फोटो क्लिक करा ली है। मोबाइल से आती है फोटो अच्छी, बट उन लोग का एक स्टाइल ही रहता है फोटो खींचने का, इसलिए हम लोग ने कुछ फोटो उससे ही क्लिक करा ली फोटोग्राफर से। वाकई बहुत गर्म रहता है, गर्मी में सही में नहीं आना चाहिए यहाँ, ये परफेक्ट टाइम है। हाँ, ठंड का टाइम सबसे अच्छा रहता है और आज का दिन तो और भी ज्यादा अच्छा। यहाँ से एंट्री है, वहाँ से एग्जिट है। हाँ, टोकन वैलेट रहता है 3 घंटे तक, उसके बाद बाहर निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत भीड़ हो जाएगी ना इस तरह में, लोग सुबह से ही बैठे रहेंगे तो, इसलिए वो 3 घंटे का टाइम देते हैं, 3 घंटे में घूम करके निकल जाइए जिससे भीड़ ज़्यादा इकट्ठी ना हो पाए। ये ताजमहल का साइड का है, ये ताजमहल के साइड से सीन देख सकते हैं। शूज वगैरह यहाँ उतारना पड़ेगा। यमुना रिवर है, वाकई बहुत सुंदर लग रहा है। आज बहुत हवा चल रही ठंडी ठंडी, अब ठंड लगने लगी है, शाम होने लगी, 4 बज रहे हैं, शाम का टाइम हो रहा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। सर ठंड लग रही है तुम्हें? नहीं लग रही, हमें तो हल्की हल्की ठंड लग रही है। दीवालों में देखो, ये पहले नहीं थे, अब बहुत ज़्यादा इसमें पैचेस येलो येलो टाइप के हो रहे हैं। इसको टच करने के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं है। किसने बोला? ये देखो नहीं, सब लगा हुआ है, इसको टच नहीं कर सकते, इसीलिए ना खराब नहीं होने पाए, ऐसे सब लोग टच करेंगे तो खराब हो जाएगा, इसलिए ऐसे लगाया गया ना, बाउंड्री इसकी पूरी बना दी गई है कि कोई टच नहीं करे। ये सब इसमें ये लोग आने लगे। हाँ, लकड़ी की है सीढ़ियाँ, है ना? ये आ गए अंदर, बहुत बढ़िया, देखो कितना सुंदर है। अच्छा, गरम में भी गरम नहीं होता, और क्योंकि ये पुराना मार्बल है, नया वाला मार्बल जो लगाया गया था ना वो चेंज होता है क्योंकि वो नया मार्बल होता है, ऐसा होता है। ओके गाइज, अब हम आ गए हैं ताजमहल के अंदर जाने वाले हैं। ओके, आप जैसा कि देख सकते हो फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है अंदर, और कैमरे का यूज़ हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते अंदर, तो इसके अंदर फिर हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, यहीं तक का ये एंट्रेंस है, अब हम अंदर जाने वाले हैं। ओके, बाय बाय। निकल रहे थे? हाँ, तो हम लोग आ गए बाहर, देखा है अंदर मकबरे, अच्छा राजा और रानी दोनों का अंदर मकबरा था, दोनों का देख भी लिया, और अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी इसलिए नहीं दिखा पाए, खराब जाता है इसलिए बंद है। सबको रूल्स मानने चाहिए, अच्छी बात है, अपनी पुरानी चीजें सबको संभाल के रखना चाहिए, सबका दायित्व तो है संभाल के रखना। ज़्यादा थक गए सुबह से चलते चलते, मैं बैठ गई हूँ थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए, सर गया शूज वगैरह लेने, काफ़ी देर से हम लोग चल रहे सुबह से ही, और अभी तक लंच भी नहीं किया, इसलिए भूख भी लगाई। हम लोग इस रेस्टोरेंट में अब खाना खाने आए हैं, देख तो अच्छा रहा है बाहर से,
हम लोग आगरा कैंट रेलवे स्टेशन आ गए हैं। 7 बजे है अभी तो, ट्रेन हमारी 9:30 बजे है। चेरे अब अपन क्या करेंगे इतनी देर, हम लोग को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, इसी बस ट्रेन में मिला इसलिए हम लोग करा लिए। रात को बस से जाना ठीक नहीं है इसलिए हम बस से नहीं जा रहे।